नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल SB मेडिसिन में। आज अपन बात करने वाले हैं मेलोक्सिकेम एंड पैरास्टामोल इंजेक्शन के बारे में। मेलोक्सिकेम एंड पैरास्टामोल इंजेक्शन में जो इसकी मात्रा है उसमें मेलोक्सिकेम है 5 mg और पैरास्टामोल होता है इसमें 150 mg। इसमें बेंजिल एल्कोहल होता है 1%। इसका यूज आप डॉक्टर की सलाह से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये एक मल्टी डोज वायल है जो कि ग्लास बेस की पैकिंग में, जो कि आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। मेलोक्सिकेम एंड पैरास्टामोल इंजेक्शन एक एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी पायरेटिक इंजेक्शन है। इसे जानवरों में बुखार के इलाज में, दर्द में और सूजन के इलाज में यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आपका जानवर का टेम्परेचर 102 से बढ़कर 103, 104, 105 या फिर उससे ज्यादा आ रहा है, या फिर इनके अलावा भी जानवर को कहीं चोट लग गई है, कोई घाव हो गए हैं और वहां पर सूजन आ गई है और उसके साथ साथ रेडनेस की समस्या भी है, तब ऐसे में ये काफी असरदार इंजेक्शन है। साथ ही जानवर को सर्दी जुकाम हो गए हैं, मस्टाइटिस यानी थनैला रोग की समस्या है और उस कारण जानवर परेशान हो रहा है और उसका टेम्परेचर बढ़ गए हैं, या फिर जानवर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया है, या इनके अलावा भी एक जानवर को किसी दूसरे जानवर ने मारा है और उस कारण जानवर को अंदरूनी चोट लग गई है जिस वजह से जानवर ने खाना पीना तक छोड़ दिया है, ढंग से उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, चलने में दिक्कत आ रही है, जानवर लंगड़ा के चल रहा है क्योंकि उसको दर्द हो रहा है, तब ऐसे में उस दर्द से राहत पाने के लिए काफी असरदार इंजेक्शन है। कई बार जानवर का सींग टूट जाता है, पूंछ टूट जाती है या फिर किसी भी तरह की चोट लग जाती है, और कई बार तो क्या होता है कि जानवर को चोट लगने के बाद घाव हो जाता है, खून हो जाता है, तो अपने को पता चल जाता है कि जानवर को चोट लगी है। पर कई बार ऐसा होता है कि चोट अंदरूनी लग जाती है तो हमें पता ही नहीं चलता है कि जानवर को मतलब उसकी चोट लगी कहीं पे और उसकी वजह से वो ज्यादा परेशान है। तब भी ऐसे में इसका यूज कर जानवर दर्द में काफी आराम पाता है, रिलैक्स फील करता है। ये इंजेक्शन गाय, भैंस, ऊंट, बकरी लगभग सभी जानवर में यूज किया जाता है। इस इंजेक्शन को लगाने पर यह जलन बहुत करता है तो इस वजह से जानवर थोड़ा उछल कूद करता है, उसकी वजह से आप परेशान ना हो। कुछ समय बाद जलन कम हो जाती है। वैसे तो इसे प्रेगनेंसी में लगाया जाता है, पर इसे प्रेग्नेंट जानवर को लगाने से पहले आपके डॉक्टर्स को जरूर बताएं कि जानवर प्रेग्नेंट है, और अगर इसे प्रेग्नेंट जानवर में लगाया जा रहा है तो इतना सा ध्यान रखें कि उसकी मात्रा थोड़ी कम कर दें तो ठीक रहेगा। जानते हैं इसके यूज करने के तरीके के बारे में या फिर इसके डोज के बारे में। तो एक चीज ध्यान रखें कि इसे केवल वेटरनरी में यूज करना है, ये ह्यूमन यूज में नहीं है, और इसे केवल IM यानी इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, इससे IV या SC यूज नहीं करना है। इसे 20 kg पर ML बॉडी वेट के हिसाब से लगाया जाता है, यानी कि बड़े जानवरों में से 15 से 20 ml और छोटे जानवरों में से 5 से 10 ml पर डे के हिसाब से लगाया जाता है। ध्यान रखें इसे लो टेम्परेचर में यूज नहीं करना है, और कोई भी जानवर है जो मतलब 1 या 2 दिन में बच्चा देने वाला है तब इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इससे 12 से 24 घंटे में आप रिपीट कर सकते हैं, मतलब इसका जो हाईएस्ट जो इसका असर है वो 12 घंटे रहता है, और लोड इसमें आपको 24 घंटे तक इसका असर नजर आ सकता है। तो आप इसे 12 से 24 घंटे में आप रिपीट कर सकते हैं और इसे फ्रिज में नहीं रखना है। बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो वैसे तो इसके बहुत कम या फिर न के बराबर साइड इफेक्ट होते हैं, पर कुछ भी अगर आपको साइड इफेक्ट नजर आते हैं तब ऐसे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।